सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ओप्पो का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मैं एक कोड बताने वाला हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरे फ़ोन में रिसेंटली कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करी गई है और किस किस टाइम तक, किस किस डेट में, कितने कितने टाइम तक उस एप्लीकेशन को यूज़ किया, या फिर आप लास्ट तक देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जो ये एप्लीकेशन है इसको डाले हुए कितनी, मतलब इसको एप्लीकेशन कितनी देर तक यूज़ किया है इस फ़ोन के अंदर। सब कुछ आपको सिस्टम में ही मिलने वाला है बिल्कुल, और इसे आपको कोई भी क्लियर नहीं कर सकता है, इसे आप एक स्पाई कोड भी बोल सकते हैं। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि कई स्पाई वेब पे जाके अपनी जो वहाँ लॉगिन करके वो आपको फ़ोन का आपका डेटा देखते हैं कि किस किस टाइम में कितनी कितनी बार कौन कौन सी ऐप को यूज़ किया गया, फिर कोई स्पाई ऐप्स जो होती है उनसे भी पता लगा लिया जाता है। बट यहाँ हम कोड की बात करने वाले जो केवल ओप्पो के मोबाइल फ़ोन में लागू होगा, और यह कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि किस किस एप्लीकेशन को कितने कितने टाइम तक यूज़ किया गया, यह आपको कैसे पता लगाना है आप ओप्पो का फ़ोन अगर यूज़ करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए गाइस, देखते हैं। आपको चले जाना अपने डायल मेनू में, यहाँ जाके आपको टाइप करना है *8*463*36, ठीक है। इसके बाद में आपको *8*8* टाइप करना, ठीक है। जैसे ही आप करते हैं आपकी टेस्टिंग करके एक ओपन पॉप अप विंडो ओपन हो जाती है। इसके आप पे तीन चीज़ आपको हमें देखने को मिलती है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन, यूजेज स्टेटिक्स और वाईफाई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या मिलने वाली है। यहाँ आपको फ़ोन का पूरा टोटल बायोडाटा दिखाने वाला है, कब लिया गया था, क्या हुआ था, कि इसका ईएमआई नंबर क्या है, फ़ोन नंबर, इसके अंदर कौन सी सिम एक्टिव है फ़िलहाल, और सर्विस कौन सी है, जीएसएम है, ठीक है, एलटी है, वोल्टी है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ दिखाने वाला है। और इसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ है यूजेज स्टैटिक्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने ओपन हो जाता है ये एक पॉपअप विंडो, ठीक है। यहाँ जो आपको दिखा देता है, आपको यहाँ आप यूजेज टाइम सेलेक्ट करते हैं, लास्ट टाइम ऐप के नेम के हिसाब से देख सकते हैं मेरे गूगल प्ले स्टोर जो है मेरा कौन कौन सी ऐप किस किस टाइम लॉन्च करी गई थी और ये कब कब बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो ऐप है, न्यू नंबर एट्रीब्यूट जो एप्लीकेशन है वो January 1, 1970 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। यहाँ ऐप के आपको पूरा बायोडाटा मिल जाता है। इसके बाद में आपको यूजेज टाइम पे देखना है आपको, तो यहाँ आपको टोटल दिखाई देगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन किस किस टाइम पर कितने कितने दिन के लिए चली थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरा बायोडाटा इसके अंदर दिखा देते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आते हैं अपन, जो है वाईफाई इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको जो वाईफाई की टोटल सेटिंग्स है वो यहाँ आपके पास ओपन हो जाएगी, वाईफाई API। इसके बाद में आपके यहाँ कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई का, ठीक है। इसके बाद में आपके वाईफाई स्टेटस, आपका जो इसका वर्जन है वो कौन सा है इसका, ठीक है। इसका एडाप्टर जो है वो कौन सा है वाईफाई का, ठीक है। तो इस कोड से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। अगर आपका ओप्पो का मोबाइल फ़ोन है तो आपका पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी किस टाइम से कितने दिन तक चलाई गई थी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके टैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।